Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। बीच में कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, ठीक है? तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा वही रहेगा, पज़ल का। पज़ल का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप कह रहे होंगे इसके 3 पार्ट तो आ चुके हैं और अभी लगभग इतने ही पार्ट और आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मुझे कवर कराने हैं इस टॉपिक में, पज़ल के, ठीक है? तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, पहली पज़ल। 7 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ, 7 विद्यार्थी हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, 3 कॉलेज एक्स वाई और जेड में अलग अलग, ठीक है, अलग अलग विषय अर्थात 7 विद्यार्थी दिए हुए हैं। तो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट हमने वीडियो में लास्ट क्वेश्चन देखा था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, उससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि 7 ही व्यक्ति होते थे, 7 कलर होते थे और 7 क्लासेस होती थी, ठीक है? लेकिन लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो की जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या देखा कि विद्यार्थी तो उतने ही हैं 7 के 7, वहाँ पे क्लासें कम कर दी उसने, ठीक है, सब्जेक्ट उतने के उतने 7 के 7 रहने दिए। तो आपको यहाँ क्या है, उसी तरीके का सवाल है, तो उसको देख रहे हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 7 विद्यार्थी हैं। 7 विद्यार्थी कौन कौन है तो उसको बीच में इस तरीके से लिख लो। पजल करने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 विद्यार्थी हो गए, ठीक है, 7 विद्यार्थी हैं। और आगे क्या दिया उसने, 7 ही विषय दिए हुए हैं। विषय कौन कौन से हैं आपके? विषय दिए हुए हैं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र और अंग्रेजी, ठीक है? जरूरी नहीं इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि यही क्रम है कि ए के सामने आपने क्या रख दिया, ए के सामने आपने जो है मनोविज्ञान रख दिया, बी के सामने आपने जो है समाजशास्त्र, ये क्रम नहीं है। 3 कॉलेज हैं तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, ये आपके हो गए कॉलेज और ये हो गए आपके सब्जेक्ट। इधर जो चीज़ हाँ में दी हुई होगी वो इधर रखेंगे और इधर भी आपको क्या लिखना है, कॉलेज, और इधर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। जो चीज़ ना में दी हुई होगी उसको इधर लिखेंगे। इस तरीके से ये पज़ल हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था, चार्ट इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से हम प्रिपेयर कर लेंगे चार्ट को, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक। क्योंकि पज़ल का सॉल्यूशन तो आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन करने का तरीका क्या रहता है वो मेन है। करने का तरीका ही तो मेन होता है इसको, कि किस तरीके से किया जाए पज़ल को। क्योंकि आपके पास अगर कोई भी बुक है, प्रैक्टिस सेट है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आता है, ठीक। तो इतनी चीज़ हो गई। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पहला पॉइंट क्या है, और एक पॉइंट और दिया हुआ है, ध्यान से देखो पज़ल में, कि प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रत्येक कॉलेज में, यानी कि अगर कॉलेज आपके 3 दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो एक्स कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थियों को पढ़ना जरूरी है। वाई में भी 2 विद्यार्थी जाएंगे, जेड में भी 2 विद्यार्थी जाएंगे, 2 से कम किसी में नहीं होंगे, और किसी एक में जो है 2 से ज़्यादा होंगे। ज़्यादा की उसने लिमिट नहीं दी, कम की दी है कि प्रत्येक कॉलेज में 2 छात्रों का पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो जी, अगला पॉइंट पढ़ते हैं पज़ल को देख के। अगला पॉइंट दिया हुआ है क्या, डी कॉलेज एक्स में केवल एफ के साथ मनोविज्ञान पढ़ता है। डी जो है वो कॉलेज एक्स में पढ़ रहा है, किसके साथ, ध्यान से पढ़ो, डी कॉलेज एक्स में केवल एफ के साथ, तो यानी कि डी और एफ का कॉलेज क्या हो गया, एक्स हो गया, और केवल वर्ड आ गया तो इसका मतलब एक्स कॉलेज में और कोई नहीं जाएगा, एक्स का कोटा पूरा हो गया। डी कॉलेज एक्स में पढ़ रहा है, किसके साथ पढ़ रहा है, डी कॉलेज एक्स में एफ के साथ मनोविज्ञान पढ़ रहा है, तो डी का जो सब्जेक्ट हो गया वो आपका हो गया क्या, मनोविज्ञान, ठीक है जी। ये आपका पहला पॉइंट था, क्लियर हुआ? क्लियर होती चली जाएंगी बातें, अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो वीडियो को आप रिमाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और पहले उम्मीद यही किया करो, पहले खुद से प्रयास किया करो, स्क्रीनशॉट लेके, आपके साइड में क्वेश्चन है इसको स्क्रीनशॉट लो और पहले खुद से प्रयास करके देखो, नहीं होता है फिर इसको देखो वीडियो को, ठीक। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट क्या है,
बी अंग्रेजी और ई भूगोल पढ़ता है। बी क्या पढ़ रहा है? बी पढ़ रहा है आपका अंग्रेजी, तो बी के सामने यहाँ पे आ गया अंग्रेजी। बी अंग्रेजी पढ़ रहा है और एफ क्या, सॉरी ई क्या पढ़ रहा है? ई पढ़ रहा है भूगोल, तो ई के सामने यहाँ पे आ गया भूगोल। तो जो चीज़ हाँ में दी हुई है वो हम हाँ में रखते चले जाएंगे और जो ना में कह देगा वो इधर आ जाएंगे। अगला पॉइंट देखो जी, अगला पॉइंट फिर से क्या कहा उसने, पर इनमें से कोई भी जो है वो वाई कॉलेज में नहीं है। इनमें से किस में से? जो बी और ई की बात चल रही है, तो ये बी जो है और ई जो है ये दोनों वाई कॉलेज से नहीं है, तो हमने वाई को इधर ना वाली तरफ में रख लिया। क्लियर है? तो अब यहीं से अगर यहीं पर रुक जाओ तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। क्या? बी और ई वाई कॉलेज में जाने नहीं है, एक्स में ये जा नहीं सकते क्योंकि पहले ही उसने कह दिया, क्या कह दिया भैया, कि डी और एफ जो हैं वो डी और एफ केवल डी जो है केवल एफ के साथ एक्स कॉलेज में पढ़ रहा है, तो एक्स में किसी और का जाना तो इम्पॉसिबल हो गया, उसने पहले कह दिया। तो जब ये बी जो है बाई में पढ़ नहीं सकता कॉलेज में, बाई कॉलेज में पढ़ नहीं सकता, एक्स में ये जा नहीं सकता, तो फिर इसका कॉलेज कौन सा बचा जी? जेड बचा। क्लियर हो गया? ऐसे ही बाई की, इसकी बात की जाए, ई बाई में नहीं पढ़ सकता, एक्स में जा नहीं सकता, तो इसका कॉलेज कौन सा हो गया? जेड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे पढ़ते हैं पजल। आगे पजल में क्या दिया हुआ है, उसके बाद समाजशास्त्र पढ़ने वाला कॉलेज जेड में पढ़ता है। अब जो भी कोई जेड कॉलेज में जाएगा, यानी कि जो भी कोई समाजशास्त्र पढ़ेगा वो जेड कॉलेज में पढ़ना, उसका जिसका पसंद का सब्जेक्ट जो है वो समाजशास्त्र होगा वो जेड कॉलेज में पढ़ना चाहिए, ये कंडीशन दी हुई है। किसकी? पजल की। हमने कुछ नहीं किया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया है। अगला, जी लेखा शास्त्र और सी इतिहास पढ़ता है। जी जो है वो लेखा शास्त्र पढ़ रहा है और उसके बाद जी लेखा शास्त्र और सी इतिहास, तो सी ये हो गया आपका इतिहास। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, इतनी चीज़ जब आपको ये क्लियर हो गई तो अब देखो ध्यान से इसको, पजल को पूरा कैसे किया जाएगा। जेड कॉलेज में जो तीसरा जाएगा उसका समाजशास्त्र सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो क्या मैं यहाँ पे जेड रख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लेखा शास्त्र आ गया। ठीक, क्या मैं यहाँ पे जेड रख सकता? अब कॉलेज हम पूरे करना चाह रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पे जेड नहीं रख सकता? क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लेखा शास्त्र रखा हुआ है, जबकि जेड के साथ समाजशास्त्र आना जरूरी है, और जेड को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या रखा हुआ है? इतिहास। तो जेड समाजशास्त्र किसी के सामने एक साथ आएंगे और एक साथ जगह किसके आगे खाली बची हुई है? एक ए, तो यहाँ पे ये हो गया आपका जेड और ये हो गया आपका समाजशास्त्र। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और जल्दी बनती चलिए, ये तो मुझे समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो इस पजल को 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर बना सकते हैं आप, ये इतनी आसान पजल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्स कॉलेज में दो ऑलरेडी आ चुके हैं, जेड कॉलेज में तीन व्यक्ति आ गए। अब किसी कॉलेज में अगर मैं इसको जेड देने लगा, एक्स में तो और कोई जाना नहीं है, अगर मैं इसको बाई चांस जेड देने लगा यहाँ पे सी को, या फिर इसको जी को मैं जेड देने लगा, तो फिर बाई में तो एक ही व्यक्ति रह जाएगा। और देखो पजल को ध्यान से देखो, उसमें क्या कहा है कि कम से कम जो है प्रत्येक कॉलेज में कम से कम दो विद्यार्थी जरूर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब सी का कॉलेज और वाई जे जी का जो कॉलेज है वो वाई हो गया। कॉलेज सबके कंप्लीट हो गए। अब बात आ रही है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अगर हम ध्यान से देखें, ए को समाजशास्त्र पसंद हो गया, बी को अंग्रेजी, सी को इतिहास, जी को मनोविज्ञान, ई को भूगोल और जी को लेखा शास्त्र। एक सब्जेक्ट बच रहा है और वो सब्जेक्ट कौन सा है? देखो जरा ध्यान से, आप देख रहे हैं मनोविज्ञान आ चुका है, पजल को ध्यान से देखो, मनोविज्ञान आ चुका है। उसके बाद अगला है आपका समाजशास्त्र, वो आ चुका है। उसके बाद इतिहास, वो आ चुका है। उसके बाद है भूगोल, वो आ गया यहाँ पे। और उसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र अभी तक नहीं आया है। तो जो बच गया, यानी कि एफ को कौन सा सब्जेक्ट पसंद हो गया? एफ को सब्जेक्ट पसंद हो गया आपका अर्थशास्त्र। पजल पूरी कंप्लीट, और पजल आप जितनी जल्दी बना लें उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि पजल कभी भी इस तरीके का, इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, इतनी बड़ी जो पजल है, कभी एक नंबर में नहीं आती, वो कम से कम तीन क्वेश्चन और अधिक से अधिक पांच क्वेश्चन बन के आती है। तो देखो, ये जब पजल बन गई तो क्वेश्चन करने में कुछ नहीं रह जाता। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं वो, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज विद्यार्थी और विषय का सही सम्मेलन है, सही संयोजन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं कि जेड ए अंग्रेजी,
तो जेड ए अंग्रेजी जरा ध्यान से देखो, जेड ए अंग्रेजी है क्या, यानी कि ए जो है वो जेड कॉलेज में तो पढ़ रहा है लेकिन सब्जेक्ट उसका समाजशास्त्र है, तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, वाई ए समाजशास्त्र, वाई ए समाजशास्त्र गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ए जो है वो जेड कॉलेज में पढ़ रहा है। अगला ऑप्शन है वाई ई भूगोल, ई बाई भूगोल, गलत हो गया ये भी। अगला ऑप्शन क्या है, जेड ई भूगोल, जेड ई भूगोल, यही वाला ऑप्शन सही है। तो आपके जो प्रश्न का उत्तर है, पहले सवाल का जो आंसर है वो क्या हो गया, पहले सवाल का आंसर हो गया आपका डी, फर्स्ट का क्या हो गया डी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ए निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ता है, तो ए किस कॉलेज में पढ़ता है, जेड, तो आपका प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल क्या है, कॉलेज वाई में विद्यार्थियों का निम्न में से कौन सा जोड़ा पढ़ता है, तो वाई में कौन कौन पढ़ रहा है, सी और जी, तो ऑप्शन है क्या कोई सी जी का, सी जी ऑप्शन नंबर बी, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है वो ये है कि समाजशास्त्र कौन पढ़ता है, तो समाजशास्त्र पढ़ता है ए, तो प्रश्न का उत्तर हो गया का ऑप्शन नंबर कौन सा, इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन बी दिया हुआ है, दूसरा डी दिया हुआ है और तीसरा एफ दिया हुआ है, चौथा ए या एफ दिया हुआ है, तो हमें तो क्लियर पता है ए या एफ की तो कंडीशन ही नहीं लगनी, समाजशास्त्र कौन पढ़ रहा है, समाजशास्त्र ए पढ़ रहा है, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई। फिर उसका लास्ट क्वेश्चन है कि एफ कौन सा विषय पढ़ता है, तो एफ कौन सा विषय पढ़ रहा है जी, देख के बताओ मुझे, एफ जो है हमारा अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, अर्थशास्त्र कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम पजल करते हैं, ठीक है, समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पजल की ओर, अगली पजल क्या कहती है उसको और देखते हैं, बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये पजल और एकदम से समझ में भी आई होगी, ठीक है, अगली पजल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पजल आपके बोर्ड पर आ चुकी है, तो सबसे पहले वही काम आपको करना है, क्या कि स्क्रीन शॉट लो और पहले खुद से सेम जो हमने अभी लास्ट पजल की सेम उसी की तरह है, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है। अगर आपने ये पजल जो आपके बोर्ड पे लगी हुई है इसको बना लिया तो समझ लो कि मेरा पढ़ाना सफल और आपका पढ़ना सफल और आपको अच्छे से बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, चलो बढ़ते हैं पजल की ओर। तो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक बने रहें, क्यों, क्योंकि इसमें मंथ वेज पजल भी लगाई हुई हैं जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करो, ठीक। तो पढ़ते हैं सवाल को, पी क्यू आर एस टी वी और डब्लू, सात विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं इस बार भी, सात विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहला काम हमको वही करना है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पी क्यू आर एस टी वी और डब्लू, यही तो है, पी क्यू आर एस टी वी और डब्लू, ठीक है, सात विद्यार्थी हैं जो 8, 9 और 10 इन तीन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, कक्षा दी हुई है, ये हो गए आपके विद्यार्थी सात, तो यहाँ पे आ गए आपकी कक्षा यानी कि क्लास, ठीक, कौन कौन सी क्लास हैं जी, 8th, 9th और 10th, ये तीन कक्षाएं हैं रोमन अंकों में लिखी हुई हैं इस तरीके से, 8th, 9th और 10th, ठीक। अब आगे उसने क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम दो विद्यार्थी, वही पिछली वाली कंडीशन है, वहां कॉलेज से या क्लासेस, ठीक है, प्रत्येक कक्षा में कम से कम दो विद्यार्थी, यानी किसी एक कक्षा में दो से ज्यादा भी जाएंगे, ठीक। अगला जो पॉइंट है, इनमें से प्रत्येक, प्रत्येक को एक सब्जेक्ट भी पसंद है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं कौन कौन से, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, इतिहास, हिंदी और संस्कृत में से एक मनपसंद विषय है, सबको एक एक सब्जेक्ट पसंद है, तो कक्षा ये हो गई, यहाँ पे आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट, इधर भी क्या लिखेंगे आप, कक्षा लिखेंगे और इधर लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, ये नाम है और ये हाम है, सेम वैसे ही पैटर्न आपको अपनाना है, एक चार्ट आप पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे, चार्ट प्रिपेयर करने का, इस तरीके की पजल करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी तीसरी पजल है इसी टाइप की, क्योंकि पहले, इससे पहले करा दिया और एक लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा इस टाइप की पजल, तो ये आपकी यहाँ पे चल रही है क्लासेस और ये इधर सब्जेक्ट, क्लासेस और इधर चल रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, अब शुरू यानी पजल को शुरू करते हैं, पजल में क्या कहा गया है जी, और आगे इसने ये भी कह दिया कि जरूरी नहीं इसी क्रम में, इसी क्रम में होना कोई जरूरी नहीं है, कि जैसे कि जो जो दे दिया इसी क्रम में रख दिया हमने, कि जैसे पी क्यू आर एस टी ए क्रम दिया हुआ है, तो पी को आपका क्या
अंग्रेजी पसंद करवा दिया, क्यू को गणित पसंद करवा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट, पजल को स्टार्ट करते हैं। क्यू को विज्ञान पसंद है और वह नाइन्थ कक्षा में केवल डब्लू के साथ, वही चीज आ गई ना। क्यू को क्या पसंद है? क्यू को आपका पसंद है विज्ञान, तो क्यू के आगे सब्जेक्ट के आगे क्या आ गया आपका? विज्ञान आ गया, साइंस। और वह क्यू को विज्ञान पसंद है, वह कक्षा 9 में केवल डब्लू के साथ पढ़ता है। कक्षा 9 में पढ़ रहा है केवल डब्लू के साथ, तो इसका मतलब नाइन्थ क्लास में और कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डब्लू को संस्कृत पसंद नहीं है, डब्लू को कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है? संस्कृत, तो नहीं वाली चीज़ हम इधर लिखेंगे, तो ये आपका आ गया संस्कृत। क्लियर हुआ? ठीक, आगे अगले आगे एक पजल में दिया हुआ है कि आर को गणित पसंद है। आर को क्या पसंद है? आर को आपका पसंद है गणित, तो यहाँ पे आर के सामने सब्जेक्ट में क्या आ गया? गणित आ गया। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ रहे हैं, और वह टी और वी के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है। आर जो है वो टी और बी के साथ एक ही कक्षा में पढ़ रहा है, यानी कि आर की जो कक्षा होगी वो टी की भी होगी और वी की भी होगी। ये मैंने सर्किल इसलिए कर दिया जिससे पहचान रहे आर टी और बी की एक ही कक्षा है। ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया पजल में कि आर को गणित पसंद है और वह टी और बी के साथ एक ही कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, यह कक्षा जो है वह एट्थ नहीं है। आर जिस कक्षा में या टी जिस कक्षा में या बी जिस कक्षा में, वो क्लास जो है वो एट्थ नहीं है। अब यहाँ से आपके तुरंत मन में एकदम आपने कर लिया होगा, जो बहुत अच्छे से और सीरियस होकर तैयारी कर रहा है, जो मेरी तरह सीरियस है, मैं पढ़ाने में सीरियस हूँ और जो पढ़ने में सीरियस हो, तुरंत उसने कर लिया होगा क्या, आर की भी क्लास लिख दी होगी, टी की भी लिख दी होगी, बी की भी। क्यों? क्योंकि जब देखो क्यू केवल डब्लू के साथ पढ़ रहा है नाइन्थ क्लास में, तो नाइन्थ में तो और कोई जाना है नहीं, और आर को आठवीं क्लास पसंद नहीं है, तो क्लास कौन सी बची? दसवीं। तो आर की क्लास भी टेंथ हो गई, टी की क्लास भी टेंथ हो गई, और बी की क्लास भी क्या हो गई? टेंथ हो गई। क्लासें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब जब टेंथ में तीन लोग चले गए और आपके नाइन्थ में दो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बची क्लास कौन सी? एट। तो सबकी क्लासें तो हो गई कंप्लीट, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट तो नहीं हुए अभी। तो अभी हमने पजल पूरी कहाँ पढ़ी है? पूरी पढ़ो, आगे बढ़ रहे हैं हम। एस को भूगोल, एस को भूगोल और पी को इतिहास पसंद है। एस को जो है वो भूगोल पसंद है, ठीक है, और पी को क्या पसंद है? एस को भूगोल और पी को इतिहास पसंद है, पी को इतिहास पसंद है। ठीक है, उसके बाद आगे अगला जो पॉइंट है, बी को ना तो अंग्रेजी और ना ही संस्कृत पसंद है। बी को अंग्रेजी और संस्कृत पसंद नहीं है, तो नहीं वाली चीज़ हमने इधर लिख ली। ठीक है, अब सब्जेक्ट कैसे पूरे हो? मेन चीज़ तो यही है, अभी पजल पूरी थोड़ी ना हुई। तो जिसके आगे ना में सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा लिखे हैं, सबसे पहले उसको उठा लो। डब्लू के आगे केवल यह एक ही सब्जेक्ट है और हम देख रहे हैं बी को दो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो यहीं से पजल पूरी हो जाएगी। ना को देखते हुए हाँ पूरा करते हैं, इसलिए हम ना को भी साथ में लेके चलते हैं। इससे इधर वाले से हमें मतलब कुछ नहीं होता, ये पजल करने का, पजल बनाने का एक तरीका है। तो देखो ध्यान से, यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि जब बी को अंग्रेजी और संस्कृत, यानी कि इंग्लिश और संस्कृत तो पसंद है ही नहीं, दो सब्जेक्ट इसे पसंद नहीं है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, साइंस, मैथ और ज्योग्राफी, चार सब्जेक्ट ऑलरेडी किसी ना किसी के मन पसंद आ चुके, चार पसंद आ चुके हैं, दो इसे पसंद नहीं है, सब्जेक्ट थे सात, तो जब चार आ चुके दो इसे पसंद नहीं, तो जो बचा हुआ सब्जेक्ट वो किसके आगे आ जाएगा? बी के। और बी को कौन सा? तो ध्यान से देखो, अंग्रेजी संस्कृत उसे पसंद नहीं है, तो सब्जेक्ट पे आ जाओ, अंग्रेजी, विज्ञान ऑलरेडी आ चुका है, सब्जेक्ट कौन सा बच रहा है? विज्ञान आ चुका है, ये आ गया। उसके बाद आपका दिया हुआ है अंग्रेजी, अंग्रेजी इसको पसंद नहीं है, गणित वो आ चुका है, भूगोल वो आ चुका है, उसके बाद इतिहास, इतिहास ये आ गया, आगे हिंदी। अब देख रहे हैं हम, हिंदी ही नहीं आया है, तो बी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद हो गया? फिर बी को पसंद हो गया आपका हिंदी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो ही सब्जेक्ट बचे हुए हैं, अंग्रेजी और संस्कृत, तो क्या मैं डब्लू के संस्कृत आगे रख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि डब्लू को तो संस्कृत पसंद ही नहीं है, तो जब डब्लू को संस्कृत पसंद नहीं है तो इसको अंग्रेजी पसंद होगी, और जो बच गया संस्कृत वो यहाँ पे आ गया। अब आप कह रहे होंगे सर आपने तो बहुत जल्दी बना ली, इतनी आसानी से कैसे बना लेते हो? तो सब प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं
जिस तरीके से ये पज़ल को कर रहा हूँ, तरीका आपको सीखना है, और क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। पज़ल कंप्लीट, फिर क्वेश्चन करने में कुछ नहीं रह जाता। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है पहला इसका, टी की पसंद का विषय कौन सा है, तो टी की पसंद का विषय है संस्कृत, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। इनमें से तीन किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो तीन किस कक्षा में पढ़ रहे हैं जी, देखो ध्यान से, यहाँ पे टेंथ और टेंथ दसवीं कक्षा में तीन पढ़ रहे हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया इसमें ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि तीन कक्षा, इनमें से तीन जो है वो दसवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका नाइन्थ, दूसरा एट्थ, तीसरा ऑप्शन है नाइन्थ या एट्थ, और चौथा ऑप्शन है डाटा अपर्याप्त। तो आंसर क्या होगा, जब हमें देखो डाटा अपर्याप्त और इनमें से कोई नहीं में बहुत बड़ा अंतर होता है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। इनमें से कोई नहीं हम कब लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं हम तब लगाते हैं जब हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाए और ऑप्शन में ना हो। और डाटा अपर्याप्त कब लगाते हैं, जब हमें प्रश्न का उत्तर ही ना मिल पाए, तब हम लगाते हैं डाटा, जो गिवन डाटा है वो अपर्याप्त है। तो इस प्रश्न का तो हमने उत्तर निकाल लिया, क्या 10 आया और 10 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, ठीक है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से विद्यार्थी कक्षा विषय का कौन सा सम्मिश्र सही नहीं है, सही नहीं को पूछ रहा है, वो ध्यान से पढ़ा करो, कभी कभी हम जल्दबाजी में ये पढ़ लेते, नहीं को नहीं पढ़ते। अब पहला ऑप्शन क्या है, एस एर्थ भूगोल, बिल्कुल सही करके आ जाएंगे, तो ये नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि ये मेरे से भी हुई हैं गलतियाँ और बहुत से लोगों से होती हैं, छोटी छोटी बातें नहीं देखते। इसने कहा है कि कौन सा सही नहीं है और हम नहीं को छोड़ देते हैं, कौन सा सही है, पहला ही सही आ गया, तुरंत टिक कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है, उसमें कुछ सोचने का समय मिलता ही नहीं है, ठीक। तो उसने पूछा सही नहीं है, तो पहला तो सही है, एस एट भूगोल। अगला ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू नाइन्थ अंग्रेजी, ये भी सही है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, अगला ऑप्शन दिया हुआ है बी टेंथ हिंदी, ये भी सही है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, आर टेंथ, यानी कि टेंथ क्लास में पढ़ रहा है वो, और उसने देखा नाइन्थ, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी किसे पसंद है, तो हिंदी किसे पसंद है जी, बी को पसंद है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, W को कौन सा विषय पसंद है, तो W को कौन सा विषय पसंद है जी, अंग्रेजी पसंद है इसको W को, तो ऑप्शन नंबर आपका B हो गया। इस तरीके से पजल कंप्लीट हो गई, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बस आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल की ओर, नेक्स्ट पजल क्या करें, नेक्स्ट पजल आपके बोर्ड पर आ चुकी है, तो सबसे पहले वही है, ये आपकी जो है मंथ वेज पजल है, ठीक है, मंथ वेज पजल जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, इसको भी देख लेते हैं। इस तरीके की ये मंथ वेज भी हो सकती है, आपकी डेज वेज भी हो सकती है, यानी कि दिनों के ऊपर आधारित हो या महीनों के ऊपर आधारित हो, तो इनको करने का तरीका क्या रहता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले पजल को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, 7 व्यक्ति JKLMNORP विभिन्न ब्रांड फास्ट्रैक, बीवा, नाइकी, पुमा, मारिगो और बीवो और जारा का विज्ञापन एक ही वर्ष के 7 विभिन्न महीनों के नाम दिए हुए हैं आपके, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर में करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके की पजल में आपको ये नहीं करना कि बीच में आप क्या रख लें, बताओ बीच में आपको ये व्यक्ति नहीं रखने हैं JKLM। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बीच में क्या रखने हैं, महीने, जो मंथ दिए हुए हैं कौन कौन से हैं जी, मंथ आपको जरा ध्यान से देखेंगे, मंथ दिया हुआ है आपको फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपने यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे फरवरी, फिर आगे दिया हुआ है फरवरी अप्रैल, फिर उसके बाद दिया हुआ है मई जून, और उसके बाद दिया हुआ है आपका मई हो गया, जून हो गया, उसके बाद अगस्त सितंबर और नवंबर, और आपका क्या हो गया जी, नवंबर, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने लिए हुए हैं, और ब्रांड भी है और साथ साथ में व्यक्ति हैं, तो क्या काम करना है आपको, व्यक्ति और ब्रांड यहाँ पे लिख लेना है,
व्यक्ति और ब्रांड लिख लेना है, इधर भी क्या लिख लेना है, व्यक्ति और ब्रांड का नाम लिख लेना है, व्यक्ति और ब्रांड का नाम, इधर भी इधर भी। अब इसमें हाँ या ना वाली कंडीशन नहीं है, कभी इसमें आप इधर हाँ या ना में। अब मैं दो क्यों करके देख रहा हूँ, दो इसलिए करके देख रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब हम पजल पढ़नी स्टार्ट करेंगे। आगे दिया हुआ है, नोट दी गई कोई भी जो जानकारी, नोट भी दिया हुआ है इसमें कि दी गई कोई भी सूचना क्रम में समान नहीं है, कोई भी सूचना समान नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है कि फरवरी को जे जो है जे फरवरी में प्रपोजिशन कर रहा हो और जे का ब्रांड जो है फास्ट ट्रैक, बिल्कुल सेम यही क्रम नहीं है, ये नोट दिया गया है। अब सीधे हम पजल पे आते हैं। पी और पुमा का विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के मध्य दो व्यक्ति विज्ञापन कर रहे हैं, ये कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, दो व्यक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कब करेंगे, पी को कहाँ माना जाए ये क्लियर नहीं है। तो इसके तुरंत ही बाद इसने दे दिया कि पी 31 दिनों वाले महीने में विज्ञापन करता है। अब इसमें मुझे देख के बताओ कि 31 दिनों वाला महीना कौन सा है, तो कैलेंडर की वीडियो जाके देखना, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं और वैसे भी आपको पता होगा ये तरीका होता है। जो ये ऊपर जो गांठ पे आते हैं ये सारे 31 के होते हैं, फरवरी को छोड़ के जो नीचे आते हैं वो सारे कितने के होते हैं, 30 के। तो मैं अगर बात करूं, फरवरी 28 या 29 की होती है, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, यानी कि पी जो है वो यहाँ भी हो सकता है। उसके बाद जून 30 का होता है, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, ये भी 30 का। तो 30 के केवल दो ही महीने, सॉरी 31 के केवल दो ही महीने हैं, कौन कौन से, एक तो मई और एक अगस्त। तो इस तरीके से पहले मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ जिससे मैं सामने सामने लिख पाऊँ और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि पी को कुछ लोग जून के नीचे सामने मान लेते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो आपको इस तरीके से लाइनें, आपकी तो कॉपी में ऑलरेडी लाइनें होंगी तो खींचने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ भी आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन में पड़ेगी क्योंकि यहाँ A4 पेपर मिलता है, तो लाइन खींचने में वेस्ट मत करना। इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेंगे और गैप देके, तो उसमें लाइनें भी नहीं खींचनी पड़ेंगी। समय बचाना है, कैसे बच सकता है वो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो महीने हैं पी 31 दिनों में, तो 31 दिनों वाला एक तो मई हो गया और एक अगस्त। तो हमने एक मान के चलेंगे, अब इस पजल को मान के पूरा किया जाएगा कि हमने मान लिया एक पी को मई में और एक पी को हम मान रहे हैं अगस्त में, ठीक है। इन दोनों पजल, जो भी इधर वाली सही बनेगी तो इधर पे वर्क करेंगे, इधर वाली सही बनेगी तो इधर पे वर्क करेंगे, ठीक है, हमें तो सही बनाने से मतलब है। अगला पॉइंट क्या है, ये सवाल किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था तो इसको मैंने ऐड करना ज़रूरी समझा, क्योंकि अच्छा सवाल है। इसी के जैसा एक सवाल और मैं कराऊंगा, एक पजल, वो आपको खुद करके देखनी होगी पहले, और फिर जो है अगर नहीं होती है तो फिर वीडियो को रिज्यूम कर लेना, और हो जाती है तो उससे अच्छी क्या बात है, ठीक है। तो पी 31 दिनों वाले महीने में कर रहे थे, 31 दिन वाले महीने ये हो गए। आगे हम बढ़ रहे हैं, जो पॉइंट हमने छोड़ा था क्या, कि पी और पुमा का विज्ञापन करने वालों के मध्य दो व्यक्ति हैं। तो देखो मैं यहाँ पे नीचे तो पुमा आ नहीं सकता, जो ब्रांड का नाम है वो पुमा, क्योंकि दो व्यक्तियों का बीच में गैप होना चाहिए। अगर मैं इधर वाली पजल को ले रहा हूँ तो एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति, तो पुमा आपका यहाँ आ गया अप्रैल में। और अगर इधर वाले पी को लिया जाए, क्योंकि पी मई में भी तो आ रहा है, तो ध्यान से देखो, या इधर तो दो व्यक्ति आएंगे नहीं, तो दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, और ब्रांड का नाम हो गया पुमा। यानी कि पी और पुमा का विज्ञापन करने वाले, पी जो और पुमा का विज्ञापन जो व्यक्ति कर रहा है, उनके बीच में दो व्यक्ति हैं, इस वाली कंडीशन में भी और इस वाली कंडीशन में। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों को एक साथ क्यों लेके चल रहे हैं, समय बचाने के लिए। बाई चांस अगर मैं पी को यहाँ पे मई में मान लूँ और फिर लास्ट में जाके गलत हो जाए, तो मुझे पजल दोबारा बनानी पड़ेगी कि नहीं, अब दोबारा नहीं बनानी। तो यही होता है पजल करने का तरीका, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं उसको बताने के लिए, अगर आपको रीजनिंग आपकी बहुत बेहतर करनी है तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला पॉइंट उसने दिया है क्या, कि पुमा और विवा का विज्ञापन करने वाले के मध्य तीन से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है। पुमा और किसके, पुमा का और बाइवा। तो पुमा और बाइवा की बात हम करें, बीवा की, तो एक दो तीन चार, तीन से अधिक तो चार ही हो गए। तो यहाँ पे आपका आ गया क्या, अगर इस वाली कंडीशन की बात की जाए, और इस वाली कंडीशन की बात की जाए तो पुमा ये हो गया, तो एक दो तीन चार, तीन से अधिक बोला ना। अब यहाँ ये पांचवे को गिन के यहाँ थोड़ी ना नीचे रख लोगे, तो तीन से अधिक तो चार भी होता है, पांच भी होता है, तो पांच तो बीच में आ नहीं सकते क्योंकि नीचे कोई मंथ दिया ही नहीं है। तो एक दो तीन चार, तो चार तीन से अधिक हो गए, तो पुमा और दूसरा ब्रांड क्या दिया होता है आपको, बीवा, इसके बीच में तीन से अधिक व्यक्ति हैं। ये कंडीशन, ये भी सही चल रही है अभी तक, ये भी सही चल रही, कौन सी लास्ट में जाके सही होगी उस पर वर्क करेंगे, और जो जहाँ पे गलत हो जाएगी उसको वहीं छोड़ देंगे, इन पॉइंट के आधार पे। अगला पॉइंट क्या है पजल में,
वीवा का विज्ञापन करने वाले और के मध्य तीन व्यक्ति विज्ञापन करते हैं। अगर वीवा ये है तो एक एक दो तीन, तो के यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि तीन व्यक्ति किस किस के और वीवा, तो वीवा ये है के ये है, तो एक दो तीन आ रहे हैं। ऐसे ही अगर इधर बात की जाए तो एक दो तीन, तो यहाँ पे आपका आ गया के, क्योंकि के और वीवा के बीच में तीन व्यक्ति विज्ञापन कर रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। के और मारिगो का विज्ञापन करने वालों के मध्य कोई व्यक्ति विज्ञापन नहीं करता, के और मारिगो के बीच में। तो यहाँ पे देखो, इस वाली पजल में देखो तो मारिगो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि दोनों लगातार आने, उनके बीच में कोई नहीं आना, तो यहाँ तो ऑलरेडी पुमा रखा हुआ है, तो मारिगो को कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। तो अब ध्यान से देखो जरा, के और मारिगो के बीच में कोई है क्या, नहीं है। और इस वाली पजल की बात की जाए, के ये हो गया तो यहाँ पे आपका हो गया मारिगो, क्योंकि के और मारिगो के बीच में कोई व्यक्ति विज्ञापन नहीं कर रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है, बस आपको एक बार वीडियो को पूरा देखना है और प्रैक्टिस करनी है। आगे अगला जो पॉइंट है उसको देख रहे हैं। डी और एल के मध्य तीन व्यक्ति विज्ञापन करते हैं, किस किस के मध्य, डी और एल के मध्य। तो डी और एल की बात चल रही है कि डी और एल के मध्य तीन व्यक्ति विज्ञापन कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को अलग लिख लो, डी और एल के बीच में तीन व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी ना डी है ना एल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, एल सॉरी डी नहीं है, ओ है, ओ और एल के बीच में तीन व्यक्ति विज्ञापन कर रहे हैं। और उसके बाद एल ओ के पहले किसी महीने में विज्ञापन करता है, एल जो है वो ओ के पहले किसी महीने में कर रहा है, एल जो है ओ के पहले। ठीक, तो पहले एल आएगा फिर ओ आएगा और बीच में तीन व्यक्ति आएंगे, तो ऐसा है क्या कहीं पे? अब मैं यहाँ पे देखो, इस वाली पजल में अगर मैं यहाँ पे एल को मानूँ तो एक दो तीन व्यक्ति बीच में होने चाहिए, यहाँ ओ आना चाहिए, क्या आएगा, नहीं आएगा। अगर मैं एल को यहाँ मान लेता हूँ, एल को मैंने यहाँ मान लिया तो एक दो तीन व्यक्ति यहाँ पे आ गए, तो बीच में ओ आ गया। और कहीं अगर एल को यहाँ रखा जाता तो एक दो तीन व्यक्ति बीच में आते ही नहीं, तो इस कंडीशन में एल ओ सेटिस्फाई हो गई ये वाली। और इधर अगर बात की जाए तो देखो, एल ओ से पहले ही आना है, तो अगर मैं एल को यहाँ पे रखूं तो एल और ओ के बीच में कितने व्यक्ति आने हैं, तीन, तो एक दो तीन, तो यहाँ वो आना चाहिए, जबकि यहाँ तो ऑलरेडी पी रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एल को यहाँ मानो, एक दो तीन, तो यहाँ पे आ गया ओ। अब आप ये कह रहे होंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एल को यहाँ पे क्यों नहीं रखा? तो अगर मैं एल को यहाँ पे रखूँगा तो एक दो तीन यहाँ पे वो आना चाहिए, यहाँ तो आ ही नहीं रहा, यहाँ तो नीचे कोई मंथ ही नहीं है, तो एल ओ की कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई, यहाँ भी सेटिस्फाई। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यह हुआ है, फास्ट ट्रैक का विज्ञापन करने वाले और नाइकी का विज्ञापन करने वाले के ठीक एक महीने पहले विज्ञापन करता है। फास्ट ट्रैक का जिसने भी विज्ञापन करा वो नाइकी के ठीक पहले मंथ में कर रहा है, तो यानी कि दो मंथ लगातार होने चाहिए। तो दो मंथ लगातार कौन कौन से हैं, देखो अप्रैल मई जून ये तीनों महीने लगातार आ रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगस्त सितंबर ये महीने लगातार आ रहे हैं, तो ये भी दोनों चीज़ें लगातार आनी है। अगर मैं अप्रैल और मई की बात कर लूँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी, अगर मैं इस वाली पजल में बात करूँ इधर की तरफ वाली में, तो यहाँ अप्रैल और मई में तो आने नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पुमा रखा हुआ है। दो लगातार महीने ऐसे ढूंढो, दो लगातार महीने जिसके दोनों के आगे ब्रांड में जगह खाली हो। तो दो लगातार महीने अप्रैल मई तो नहीं हो सकते, मई जून नहीं हो सकते, जून अगस्त तो लगातार है नहीं, अगस्त सितंबर है, तो यहाँ पे सीधी सीधी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये हो गया फास्ट ट्रैक और ये हो गया आपका नाइक, ये हो गया नाइकी। और इधर वाली कंडीशन में देखो ध्यान से, इधर वाली कंडीशन में ये कंडीशन कहीं फॉलो हो रही है जी, देखो अप्रैल मई लगातार होते हैं, तो ये हो गया आपका फास्ट ट्रैक और ये हो गया आपका नाइकी। क्यों? क्योंकि दोनों लगातार कर रहे हैं। कौन कौन? ये जैसे कि पजल में हम पॉइंट देख रहे हैं कि फास्ट ट्रैक का विज्ञापन करने वाला नाइकी के विज्ञापन करने के ठीक एक महीने पहले, ठीक है, ठीक एक महीने पहले विज्ञापन कर रहा है, तो लगातार आएंगे, तो लगातार यहाँ भी सेटिस्फाई कंडीशन, यहाँ भी सेटिस्फाई। आगे हम बढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है पजल में, एन और वीवो का विज्ञापन करने वाले के मध्य दो व्यक्ति हैं, एन और वीवो के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो। तो देखो एन और वीवो इस कंडीशन में कहीं आ सकती है क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एन और वीवो की बात करें, हाँ आ सकती है, एन को यहाँ पे रख लो और वीवो यहाँ हो जाएगा, तो एन और वीवो के बीच में एक दो व्यक्ति आ गए। और इधर इस कंडीशन में बात की जाए तो यहाँ पे कहाँ आ सकता है एन और वीवो, एन को अगर यहाँ रख लो, एन को अगर यहाँ रख लो, क्योंकि अगर मैं एन को यहाँ रखूँगा तो एक दो व्यक्ति यहाँ ऑलरेडी मारे हुए रखा हुआ है, तो एन को यहाँ मान लो एक दो, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, वीवो आ गया। ठीक है, जिसका फ़ोन भी आप यूज़ करते होंगे अधिकतर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, दोनों पज़ल अभी तक सही चल रही हैं। अगला पॉइंट इसने क्या कहा है
एन और वीवो का विज्ञापन करने वालों के मध्य दो व्यक्ति विज्ञापन करते हैं, एम और जारा का विज्ञापन करने वालों के मध्य एक व्यक्ति विज्ञापन करता है, एम जून से पहले किसी महीने में विज्ञापन। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कौन सी पजल सही बन रही थी और कौन सी गलत बन रही थी। एम जून से पहले हमें लेना है, तो देखो जून से पहले इस वाली कंडीशन में तो एम यहीं पर आ सकता है, यहाँ तो आ नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ एम को रखूँगा तो एम के साथ एक कंडीशन दी हुई है क्या कि एम और जारा का विज्ञापन करने वालों के मध्य एक व्यक्ति विज्ञापन कर रहा है, तो एम और जारा, तो यहाँ जारा आना चाहिए था जबकि यहाँ नाइकी है, तो ये वाली पजल कैसी हो गई, इधर वाली हो गई गलत। अगर मैं ये पी को यहाँ लेके चलता फिर लास्ट में ये लास्ट वाला ही पॉइंट गलत कर देता तो फिर मुझे दोबारा से बनानी पड़ती, फिर पी को किसमें मानना पड़ता, अगस्त का। तो समय बचाने के लिए हम दोनों चीज़, आपको ये लग रहा होगा कि इतना समय लग रहा है, ये समझाने में लग रहा है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना खुद से तो बहुत कम समय लगेगा। तो अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जून से पहले कर रहा है कौन, जून से पहले विज्ञापन कर रहा है कौन, एम। तो जून से पहले एम कहाँ आ सकता है, केवल यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि ये जून के बाद का है, तो जून से पहले महीना ये हो गया एम, और एम और जारा के बीच में एक व्यक्ति, तो जारा ये हो गया। देखो एम और जारा का विज्ञापन करने वालों के बीच में एक व्यक्ति है कौन, एल। तो सारी की सारी कंपनीज तो आ गई, जिनका ब्रांड तो आ गए, जिनका विज्ञापन हो रहा है, बस एक व्यक्ति रह रहा है, वो कौन रह रहा है, कितने व्यक्ति थे, जे के एल एम एन ओ पी। तो जे आपका बचा हुआ है वो यहाँ आ गया, जे भी आ गया, के एल एम एन ओ पी सब आ गए, ये पजल आपकी पूरी हो गई। अब क्वेश्चन करना है इसका बहुत आसान है, एक ही क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसके और भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करने में कुछ नहीं रहता। जैसा ही मैं पढ़ देता हूँ, निम्न में से कौन सा संयोजन दी गई व्यवस्था के आधार पर सही है, तो दी गई व्यवस्था के आधार पर कौन सा सही है, देखो जे जारा, जे विवाह है, गलत हो गया। फिर उसके बाद है एल मई, तो एल मई है क्या, एल तो अप्रैल है। उसके बाद है एन फास्ट्रैक, एन फास्ट्रैक एन मारिगो है, ये भी गलत हो गया। आगे है एम वीवो, एम वीवो ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरीके की एक पजल है, उसको आप खुद से प्रयास करेंगे पहले, तो उसको देख लेते हैं वो क्या है नेक्स्ट पजल। ठीक है, नेक्स्ट पजल आपके बोर्ड पे आ चुकी है स्क्रीन पे, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो और पहले खुद से प्रयास करके देखो, सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे मंथ थे और यहाँ पे क्या है डेज हैं। तो सवाल को जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पढ़ते हैं कि सात व्यक्ति हैं एम एन ओ पी क्यू आर तथा एस, ठीक है, सात विभिन्न शहरों, शहरों के नाम दिए हैं, यथा, यथा मतलब जैसे कि लंदन, पेरिस, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, टोक्यो तथा सियोल, में से किसी सप्ताह के सात दिनों में सोमवार में से रविवार तक सेमिनार में भाग लिया, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में। तो सेम पिछले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे दिए हुए थे क्या, वहाँ पे क्या दिए हुए थे आपको, दिन, और यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, वो सॉरी वहाँ पे दिए हुए थे मंथ और यहाँ दिए हुए दिन, तो यहाँ दिनों को बीच में रखना है, सोमवार से लेके सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, यहाँ पे आपके आ गए व्यक्ति और ये आ गया आपका शहर। ठीक है, ऐसे इधर व्यक्ति और इधर शहर, क्योंकि क्या पता दो कंडीशन दी हुई हूँ, तो इस तरीके से अब यहाँ पे ना और हाँ वाली बात नहीं चलेगी, यहाँ पे ना और हाँ वाली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है इसको भी, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कर भी लिया होगा अब तक। ठीक है, और नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हो जाएगा, वीडियो को आप देखें पूरा तो ज़रूर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एस ने बुधवार को सेमिनार में भाग लिया, बिल्कुल क्लियर कह दिया, तो एस ने जो है आपका भाग लिया है बुधवार में, तो अभी तो दो की ज़रूरत है ही नहीं, क्लियर दिया हुआ है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है इसने, अगला पॉइंट दिया हुआ है कि एस तथा सियोल में सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एस और जिसने सियोल शहर में सेमिनार में भाग लिया उसके बीच में एक व्यक्ति है, तो एक कंडीशन में क्या मान लिया मैंने, शहर सियोल को इधर मान लिया, और एक कंडीशन में एस और सियोल को इधर मान लिया। तो देखो एस और सियोल के बीच में दोनों ही कंडीशन में एक व्यक्ति है, एस और सियोल के बीच में यहाँ भी एक व्यक्ति आ रहा है और एस और सियोल के बीच में यहाँ भी एक व्यक्ति आ रहा है,
क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आर तथा सियोल में सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। आर और सियोल के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो आर नीचे तो आ नहीं सकता, 1, 2, 3 यहाँ पे हो गया आपका आर, ठीक है। सियोल और आर के बीच में 1, 2, 3 व्यक्ति हो गए। ऐसे इधर अगर बात की जाए 1, 2, 3 यहाँ पे आर हो गया, आर और सियोल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आर और सियोल के बीच में 3 हो गए, 3 व्यक्तियों ने सेमिनार में भाग लिया। फिर है क्यू तथा सियोल में सेमिनार में भाग लेने वाले के बीच में केवल 1 व्यक्ति है। क्यू और सियोल के बीच में 1 व्यक्ति, तो क्यू और सियोल के बीच में 1 व्यक्ति है, तो इस वाली कंडीशन को ध्यान से देखो जरा, क्या यहाँ पे क्यू और सियोल के बीच में 1 व्यक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो गलत है, इसको तो हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको अभी बनाने की, ठीक है। Q और सियोल के बीच में 1 व्यक्ति, तो Q और सियोल के बीच में 1 व्यक्ति इस वाली कंडीशन में आ गया, ठीक है। ऊपर ऑलरेडी ऐसा रखा हुआ है क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया Q तथा सियोल में सेमिनार में लेने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 1 व्यक्ति ने सेमिनार में भाग लिया, ठीक। P के ठीक पहले O ने सेमिनार में भाग लिया है, P के ठीक पहले O ने लिया है, तो O पहले आएगा, P बाद में आएगा, ये क्रम आना है। अब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, या तो यहाँ आना है या यहाँ आना है, क्लियर है, या तो यहाँ आना है या फिर यहाँ आना है, ठीक। तो इस कंडीशन को आगे देखते हैं कि पी के बारे में और कोई कंडीशन दी हुई है क्या। पी के, पी तथा बैंकॉक में सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक, 2 व्यक्ति ने सेमिनार में भाग लिया। एम ने शनिवार को सेमिनार में भाग नहीं लिया, शनिवार को एम जो है वो शनिवार को भाग नहीं ले रहा, तो एम पे कट का निशान लगा के यहाँ शनिवार लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद आगे हम पजल को पढ़ रहे हैं, एम ने शनिवार में भाग नहीं लिया, फिर टोक्यो में सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्ति के ठीक पहले एम ने सेमिनार में भाग लिया है, टोक्यो के ठीक पहले एम सेमिनार में भाग ले रहा है, फिर आगे क्या कह दिया उसने, टोक्यो से ठीक पहले एम हो गया, ठीक है जी, एम ने भाग लिया है, फिर लंदन में सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्ति के ठीक पहले एन ने सेमिनार में भाग लिया है, लंदन से ठीक पहले एन ने लिया है, एन ने किससे, लंदन से ठीक पहले लिया है, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ गया, लंदन में एन हो गया, ओ ने न्यूयॉर्क में सेमिनार में भाग नहीं लिया, ओ ने जो है आपका न्यूयॉर्क में सेमिनार में भाग, ओ ने न्यूयॉर्क में भाग नहीं लिया है सेमिनार में, ठीक। तो ये पॉइंट अभी ओ और पी वाला क्लियर नहीं हो रहा था, तो अब इसको देखो क्या करेंगे, सेम इस पजल की कॉपी इधर लिख लो, ये व्यक्ति हो गया आपका आर, ये व्यक्ति यहाँ पे रखा है एस, ये यहाँ पे रखा हुआ है सियोल, और ये रखा हुआ है आपका क्यू। अब एक ओवर पी वाली कंडीशन तो बच रही थी, ओवर पी लगातार आने, तो ओ पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक, यहाँ तो कहीं और आया गया नहीं, तो एक कंडीशन में मैंने ओ को यहाँ मान लिया, पी को यहाँ मान लिया, और एक कंडीशन में ओ को यहाँ ले लिया, पी को यहाँ ले लिया, ठीक है जी। दोनों कंडीशन को लेके चल रहे हैं, जो भी सही बनेगी वो पजल आपकी सही हो जाएगी। अब पी तथा बैंकॉक के बीच में, अब यहाँ से पजल को पढ़ना स्टार्ट करो, पी से रिलेटेड पॉइंट है, पी तथा बैंकॉक में सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। पी और बैंकॉक में कितने व्यक्ति हैं जी, 2, तो यहाँ बैंकॉक तो आ नहीं सकता, 1, 2, तो ये आपका आ गया बैंकॉक, और अगर इधर बात की जाए तो 1, 2, ये आपका आ गया बैंकॉक, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया हुआ है कि एम ने शनिवार को सेमिनार में भाग नहीं लिया, टोक्यो में सेमिनार में भाग लेने वाले व्यक्ति के ठीक पहले एम ले रहा है, एम जब शनिवार को नहीं ले रहा, टोक्यो से पहले ले रहा है, तो एम को मैं यहाँ रख सकता, इधर वाली पजल में एम को यहाँ रख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ रख दिया तो यहाँ टोक्यो होना चाहिए क्योंकि टोक्यो से तुरंत पहले, तो यहाँ नहीं आएगा, एम को यहाँ भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि यहाँ टोक्यो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन कैसी बन रही है गलत, इसको अब फॉलो ही नहीं करना, अब इधर काम करना है, एम को यहाँ तो आ नहीं सकता, अब एम यहीं पर आएगा, और एम जो है टोक्यो से तुरंत पहले आ रहा है, तो ये आपका टोक्यो हो गया, क्लियर हो गया जी, क्योंकि टोक्यो से तुरंत पहले एम भाग ले रहा है, एम शनिवार में है नहीं, तो यहीं बचा, अब एक व्यक्ति बच रहा है, कितने व्यक्ति थे आपके टोटल, टोटल थे एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एम भी आ गया है, एन नहीं आया है, तो एन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब एन किससे तुरंत पहले ले रहा था, लंदन से, तो ये आपका लंदन हो गया, ठीक। उसके बाद और कोई पॉइंट बचा क्या, टोक्यो में सेमिनार में भाग लेने वाले से ठीक पहले एम ने ले रहा है, ठीक, लंदन में सेमिनार में भाग लेने से ठीक पहले एन ने भाग लिया है, बिल्कुल सही बात है। ओ ने न्यूयॉर्क में सेमिनार में भाग नहीं लिया, ओ ने न्यूयॉर्क में सेमिनार, तो यहाँ न्यूयॉर्क नहीं आना है,
ठीक है, यहाँ पे न्यूयॉर्क नहीं आना, तो न्यूयॉर्क आपका यहाँ आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो आगे पढ़ते हैं, अगला और कोई पॉइंट दिया, एन ने मैड्रिड में सेमिनार में भाग लिया परंतु सोमवार को नहीं। ठीक है, सोमवार को तो है ही नहीं, एन ने कब भाग लिया है, एन ने कहाँ पे ले लिया है, मैड्रिड, तो यहाँ पे आपका आ गया मैड्रिड। ठीक है, शहर सारे कंप्लीट कैसे होंगे, ओ जो है वो ओ न्यूयॉर्क में सेमिनार में भाग नहीं ले रहा, तो जब ये न्यूयॉर्क में नहीं ले रहा तो न्यूयॉर्क में कौन ले रहा होगा, फिर न्यूयॉर्क में ले रहा होगा आपका आर। अब एक शहर बच रहा है आपका, शहर कौन सा बच रहा है, वो ओ के आगे आ जाएगा। शहर कौन कौन से थे जरा देखो ध्यान से, शहर थे आपके, एक तो था लंदन आ चुका है, उसके बाद था आपका पेरिस, पेरिस भी आ गया क्या, पेरिस नहीं आया है, तो ये आपका हो गया पेरिस। पजल कंप्लीट हो गई, उम्मीद कर रहा हूँ ये पजल आपने बना ली होगी, थोड़ी सी मुश्किल आई होगी, उसके लिए आपने वीडियो को रिज्यूम किया होगा, जरूर किया होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि ये दो बार पजल, दो बार में बन के आ रही थी, यहाँ भी कंडीशन मिटा के फिर दोबारा उसकी इमेज लेनी पड़ी थी, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर नहीं था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे कि इसके सवाल हैं, अब तो आप कर लोगे ना सवाल, एक में करा दे रहा हूँ, जैसे सवाल दिया हुआ, दी गई व्यवस्था के आधार पर पांच में से चार किसी प्रकार समान है तथा वे एक समूह बनाते हैं, ऐसा कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता, वो हमें बताना है। तो इस तरीके का सवाल बैंकिंग में बहुत पूछा जाता है, बैंक में जो आपका पीओ लेवल का एग्जाम हो या क्लर्क का हो। ठीक है, ओ बुधवार, ओ बुधवार का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है वो देखो, ओ बुधवार यानी कि ओ से तुरंत पहले बुध है। ठीक, अगला क्या है, एन शुक्र, तो एन से तुरंत पहले शुक्र है, तो इन दोनों का तो एक जैसा ग्रुप बन रहा है। फिर आगे हम देख रहे हैं क्या, एम बृहस्पति, एम बृहस्पति यही वाला ग्रुप में अलग हो जाएगा। अब आगे भी देखो ये ग्रुप बन भी रहेगा, क्यू शनिवार, क्यू शनिवार बिल्कुल सही बात है, ये भी इस ग्रुप का हो गया। एस मंगल, एस मंगल ये भी इस ग्रुप का हो गया, लेकिन एम बृहस्पति जो है, एम के बाद अगर सोमवार, एम सोमवार होता तो इस ग्रुप में शामिल होता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम बृहस्पति। ठीक, ये इस ग्रुप का नहीं है, बाकी जो बचे क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, पजल आपके सामने। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल की ओर। नेक्स्ट पजल क्या कह रही है, वो बहुत आसान पजल है, वो आपकी जो पजल है पहले उस टाइप के क्वेश्चन में करा भी चुका हूँ आपको, किस में, वो मैंने कराए थे आपको रैंकिंग टेस्ट में जो सेकेंड पार्ट था। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं उस पजल की ओर, वो पजल आपकी एक बार देख लेते हैं, पजल आपकी बोर्ड पे लग चुकी है। ठीक है, तो देखो क्या है ये आपका, मैंने जैसे अभी भी बताया क्या कि ये हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का टॉपिक, कौन सा, रैंकिंग में जो सेकंड टाइप था। ठीक, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड, एक वर्ग में आठ विद्यार्थी हैं, उनमें से तीन क्रिकेट, तीन बैडमिंटन और दो हॉकी खेलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, इनमें से प्रत्येक की लंबाई भिन्न है, पढ़े थे नहीं सेकंड टाइप में रैंकिंग में, जो रेगुलर बने हुए हैं वीडियो पे जो देखते हैं उन्हें पता होगा। ठीक, अब लंबाई भी ने सबसे लंबा हॉकी नहीं खेलता और सबसे नाटा क्रिकेट नहीं खेलता, ये कंडीशन दी हुई है। आगे दिया बी पी और एस से लंबा है, बी जो है बी की कंडीशन दे दी, बी पी और एस से लंबा है। ठीक है जी, अब एस इधर भी हो सकता है, यानी कि एक कंडीशन ये भी बन सकती है, बी जो है आपका ये एस हो सकता है, इधर पी भी हो सकता है, अभी आगे पढ़ के पता चलेगा वो क्लियर क्या है। ठीक, और फिर आगे उसने कहा है, लेकिन किंतु जेड और क्यू से नाटा है, ये बी इन दोनों से तो लंबा है लेकिन जेड और क्यू से नाटा है, तो यहाँ भी वही कंडीशन बन सकती है आपकी, क्यू इधर हो सकता है, जेड इधर हो सकता है। ठीक, कितने व्यक्ति आ गए, पाँच, कितने व्यक्ति आ गए हैं, पाँच। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, टी जो क्रिकेट नहीं खेलता क्यू से लंबा है और सबसे लंबे के बाद दूसरा है, टी क्यू से लंबा है और सबसे लंबे के बाद दूसरा है, तो टी इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, टी इधर भी आ सकता है, तो यहाँ पे टी को क्यू से लंबा यहाँ बीच में कर दो, और एक कंडीशन में यहाँ भी मान के देखो, और इस कंडीशन में तो टी क्यू से लंबा है ही। अब ये दूसरे नंबर का है तो इसका मतलब एक व्यक्ति इधर और आएगा, और अगर मैं यहाँ बात करूँ ये वाली कंडीशन अगर ली जाए जेड टी क्यू बी इस तरीके से ली जाए, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये दूसरे नंबर पर रखा ही है। ठीक है, फिर उसके आगे इधर पी और एस लिखे हुए हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं अगली कंडीशन क्या दी हुई है, आगे कंडीशन दी हुई है कि W S से नाटा है किंतु P से लंबा है, W जो है S से नाटा, P से लंबा, S से नाटा, P से लंबा, तो यानी कि W इन दोनों के बीच में आ जाएगा इस तरीके से, W इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अभी तक ये वाली कंडीशन भी सही है, ये वाली कंडीशन तो हो रही है गलत, इसको रहने दो, क्यों, क्योंकि W इन दोनों के बीच में नहीं रखना है, क्योंकि W को P से लंबा करना है और S से छोटा, तो इस कंडीशन में तो हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही चल रही है, क्यों, क्योंकि W P से लंबा और S से छोटा हो गया, इस तरीके से चल रही है क्रम बड़े छोटे का।
ठीक है, और टी दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब एक व्यक्ति इधर जरूर आएगा, जरूर आएगा। आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे क्या दिया हुआ है, जेड जो ऊपर से चौथा है, एस के साथ बैडमिंटन खेलता है, जेड ऊपर से चौथा है, तो इस वाली कंडीशन में जेड ऊपर से चौथा। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों गलत हो गई, चलो एस और पी को इधर कर देते हैं हम, तो ये वाली तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही थी, तो यहाँ पे देखो क्या इस वाली कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे ले रहा था इसको, तो जेड ऊपर से चौथा थोड़ी ना आ रहा था। अगर एक व्यक्ति इधर भी टी से दूसरे नंबर पे है, तो जेड कौन से तीसरे नंबर पे होगा, और अगर इस कंडीशन में ले लिया जाए टी दूसरे नंबर में, तो क्या जेड चौथे नंबर पे है, तो ये दोनों कंडीशन कैसी बन रही थी गलत, सही कौन सी बन रही ये वाली, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं टी दूसरे नंबर पे, क्योंकि एक व्यक्ति इधर आ जाएगा, और जब एक व्यक्ति इधर आ जाएगा तो एक दो तीन चार चौथे नंबर पे कौन आ गया, जेड, एक दो तीन चार चौथा नंबर किसका हो गया, जेड का। वही वो कह रहा है कि जेड जो ऊपर से चौथा है, एस के साथ बैडमिंटन खेलता है, डब्ल्यू ने तो क्रिकेट खेल, तो अब सारे के सारे व्यक्ति आ गए, देखो कितने आ गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आ गए, एक व्यक्ति बचा, तो वो व्यक्ति जो बचा वो कौन हो गया आपका, आर हो गया, व्यक्ति जो बचा वो कौन हो गया, आर हो गया, सारे के सारे व्यक्ति आ गए। अब इनके खेल कैसे कंप्लीट होंगे, पहली कंडीशन क्या थी कि जो सबसे लंबा जो है, सबसे लंबा व्यक्ति जो है हॉकी नहीं खेलता, तो सबसे लंबा आर है, तो इसका मतलब ये हॉकी नहीं खेलेगा, तो इस पे कट का निशान लगा दो, हॉकी नहीं खेलेगा। और जो सबसे छोटा है नाटा, नाटा मतलब नाटे से क्या होता है, बोना, टिंगू जिसे कह देते हैं छोटा, तो जो सबसे नाटा है वो क्रिकेट नहीं खेलता, तो ये जो सबसे नाटा कौन है, पी, तो इसका मतलब ये क्रिकेट नहीं खेलता, ये क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक। क्यू, फिर उसके बाद एक पॉइंट ये था क्या कि जेड जो ऊपर से चौथा है, एस के साथ बैडमिंटन खेलता है, जेड क्या खेलता है जी, बैडमिंटन, किसके साथ, एस के साथ, क्या खेलता है, बैडमिंटन, ठीक। अगला लास्ट पॉइंट, क्यू हॉकी नहीं खेलता, क्यू जो है ये हॉकी नहीं खेलता, ठीक है। और कोई पॉइंट जो हमने छोड़ दिया, एस के, डब्ल्यू ना तो क्रिकेट और ना ही हॉकी खेलता है, डब्ल्यू जो है ये क्रिकेट भी नहीं खेल रहा, हॉकी भी नहीं खेल रहा, तो जब क्रिकेट नहीं खेल रहा, हॉकी नहीं खेल रहा, गेम तो केवल तीन ही थे, क्रिकेट नहीं खेल रहा, हॉकी नहीं खेल रहा, तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू क्या खेल रहा होगा, बैडमिंटन खेल रहा होगा। अब जैसे कि पहली कंडीशन उसने कही थी कि बैडमिंटन तीन लोग खेल रहे हैं, हॉकी दो लोग खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसने कहा गया कि आठ विद्यार्थी हैं, और कौन कौन, उनमें तीन क्रिकेट, तीन बैडमिंटन, दो हॉकी, और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या वो भी कितनी है, वो भी तीन है, तो बैडमिंटन के वाले तो तीन आ गए, कौन कौन, एक तो आपका जेड आ चुका है, एक आपका एस आ चुका है, और एक आपका डब्ल्यू आ चुका है, ठीक। अब ध्यान से ये देखो, जब ये क्रिकेट नहीं खेलता तो बैडमिंटन का तो खेल ख़त्म, तो बचा क्या, हॉकी, तो पी हॉकी खेलता होगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये कट के निशान लगे हुए हैं इधर, ये नहीं खेल रहे, अब यहाँ आर हॉकी नहीं खेल रहा, तो बैडमिंटन ये खेल नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो इसका गेम कौन सा बचा, क्रिकेट आर का, ठीक। क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्यों हॉकी नहीं खेल रहा, तो क्यों क्या खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, खेल रहा होगा कि नहीं खेल रहा होगा। अब देखो क्रिकेट वाले अभी दो आए हैं, और आपके हॉकी वाले भी, हॉकी वाला अभी केवल एक आया, तो एक व्यक्ति और बचा है जो हॉकी खेलेगा। अब इसको अगर मैं टी को बात करूं, क्रिकेट होगा कि हॉकी होगा, और कोई पॉइंट है जो रह गया हो, सबसे लंबा हॉकी नहीं खेलता है, और सबसे नाटा क्रिकेट नहीं खेलता, बी पी और एस से लंबा, किंतु जेड और क्यू से नाटा है, टी जो क्रिकेट नहीं खेलता, टी जो है ये पॉइंट रह गया था, टी जो है क्रिकेट नहीं खेलता, अभी क्रिकेट नहीं खेलता तो क्या खेलता होगा जी, हॉकी खेलता होगा। तो अब मुझे देख के बताओ, हॉकी वाले ऑलरेडी दो आ गए, नहीं, कौन कौन, पी और टी, तो अब बचा जो, वो क्या हो गया आपका, क्रिकेट, क्या हो गया, क्रिकेट, पजल आपकी कंप्लीट हो गई। और जब एक बार पजल हो जाती है तो क्वेश्चन करने आसान, क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा पी है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की कौन सी जोड़ी हॉकी खेलती है, तो हॉकी कौन कौन सी खेल रही है, पी और टी, पीटी या टीपी, पीटी या टीपी है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो आंसर हो गया ई, नन ऑफ दीज, और अगला सवाल आप खुद कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पजल के क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे, तो पसंद आती हैं तो एक बार जरा लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो अपनी राय कि ये वीडियो कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।